टोयोटा अपने हाइलक्स पिकअप ट्रक को इंडिया में जनवरी में लॉन्च करने वाला है। ये पिकअप ट्रक फॉर्च्यूनर के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में आपको इस गाड़ी के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं। तो इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो लगभग 25 से 30 या 35 लाख रुपए एक्सशोरूम तक रह सकती है, क्योंकि ये फॉर्च्यूनर के ऊपर बेस्ड है और फॉर्च्यूनर का प्राइस ही 50 लाख रुपए क्रॉस कर गया है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी के कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये गाड़ी इसुजु के D-Max V-Cross को राइवल करेगी। ये गाड़ी का सिर्फ एक ही राइवल है और उसकी भी कुछ खास बिक्री नहीं होती है। अब देखते हैं ये गाड़ी के लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री होती है कि नहीं। इस गाड़ी के साइज की बात करें तो ये गाड़ी की लेंथ 5 मीटर से भी ज्यादा है। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा लंबी है और इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 3085 mm है और इसमें आपको 279 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिससे आप इस गाड़ी को कोई सी भी टेरेन में ले जा सकते हैं। और इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको वही फॉर्च्यूनर वाला 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 204 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है कि नहीं ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इस गाड़ी के लोअर वाले वेरिएंट्स में आपको इनोवा वाला 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिल सकता है। और इस गाड़ी में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा और इस गाड़ी में आपको 4x4 भी मिलेगा। और इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि 8 इंच की टच स्क्रीन जिसमें आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको 17 इंच और 18 इंच दोनों इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और इस गाड़ी में आपको स्टीयरिंग व्हील तो वही फॉर्च्यूनर वाला मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम वही मिलेगा और थोड़ा सा लेआउट इसका अलग है फॉर्च्यूनर के इंटीरियर से इस गाड़ी के सेंटर कंसोल का। इस गाड़ी में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे और वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स इस गाड़ी में आपको एक्सपेक्टेड ही मिल सकते हैं।